हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि मालिश बच्चों के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशली सर्दी के मौसम में, क्योंकि सर्दी के मौसम में बच्चे की एक्टिविटी कम हो जाती है। मालिश करने से बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बच्चे की बॉडी हीटअप होती है और सर्दी में बच्चे को आराम मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम डेली बच्चे की मालिश नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए जो हमें मालिश जितना फ़ायदा दे, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कई बार जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है या फिर बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी है, उस रीज़न की वजह से हम बच्चे के कपड़े नहीं उतारना चाहते पूरे, इसलिए हम बच्चे की मालिश नहीं करते हैं। अगर आप बच्चे की मालिश डेली नहीं भी करती हैं तो उस केस में आपको बच्चे के सिर की मालिश डेली करनी है, क्योंकि छोटे बच्चे को अक्सर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो है सर्दी जुकाम खांसी का होना। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम बच्चे के सर की मालिश डेली करते हैं तो बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी होने की समस्या कम होती है। इसलिए अगर आप बच्चे की पूरी मालिश नहीं भी कर रही हैं तो आपको बच्चे की सर की मालिश अच्छे से करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, आप बच्चे के पूरे कपड़े मत उतारिए मालिश करने के लिए। आप बस बच्चे का पजामा उतारिए और उसके बाद बच्चे की पैर की मालिश कर दीजिए, क्योंकि पैर की मालिश बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। छोटे बच्चे ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, बच्चे चलता फिरता है तो बच्चे के पैरों में भी दर्द हो जाता है, तो अगर हम बच्चे की पैर की मालिश कर देंगे तो बच्चा बहुत रिलैक्स फील करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप सरसों का तेल लीजिए, उसे गर्म कर लीजिए, उसमें एक चुटकी नमक डाल लीजिए और बच्चे को सोने से पहले बच्चे के पैर के तलवे की अच्छे से उससे मालिश कर दीजिए। आप देखेंगे कि अगर बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी है तो बलगम बहुत जल्दी निकल जाएगा बच्चे का, बच्चे के खरखर की आवाज़ आ रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी और बच्चे को ठंड भी नहीं लगेगी। तो 3 मेन पॉइंट हुए। फर्स्ट है, बच्चे के सर की मालिश आपको करनी है। सेकंड है, बच्चे के पैर की मालिश आपको करनी है। थर्ड है, सोने से पहले सरसों के तेल से बच्चे के पैर के तलवे की हल्के हाथों से आपको मालिश करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे की मालिश करने के लिए आप एक स्पेशल ऑयल होता है जिसकी तासीर बहुत गर्म होती है, जिसे हम पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं। उसको बनाने के लिए आप सरसों का तेल लीजिए, उसमें अजवाइन डालिए 1 चम्मच और 1 चम्मच मेथी दाना और 5-6 लहसुन की कली छीलकर उसे काटकर उसमें डाल दीजिए। उसे अच्छे से खौलने दीजिए। जब वो खौल जाए तो गैस को बंद कर दीजिए और इसे छानकर किसी कंटेनर में रख लीजिए। और जब भी आप बच्चे की मालिश करें तो हल्का सा इसे गर्म करिए, इससे बच्चे की मालिश करिए। इससे बच्चे को सर्दी जुकाम होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है जिससे ये बच्चे को गर्माहट भी देता है ठंड के मौसम में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।